छेना मुर्की, छेना मुर्की, छेना मुर्की जो हम खा चुके हैं बहुत सारा और थोड़ा बाद में खाएंगे। वेलकम टू शारदाज वर्ल्ड, शारदा की दुनिया में आपका स्वागत है। ये देखिए घर का हाल, चले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। और अभी हम लोग जा रहे हैं लॉन्ग ड्राइव पे, थोड़ा सा कुछ काम है, बच्चे भी बहुत दिन से बाहर नहीं गए थे, तो अभी जा रहे हैं लॉन्ग ड्राइव पे, कुछ सामान लेंगे फिर वापस आ जाएंगे। सैनिटाइज करना तो मस्ट है, क्योंकि सबका हाथ यहाँ पर तो जरूर जाता है। और आज बच्चे बहुत दिन के बाद, तकरीबन 15 से 20 दिन के बाद बाहर निकले हैं। दिनेश जी को कुछ सामान लेना था, तो सोसाइटी के बगल में ही मॉल है, वहाँ हम लोग जा रहे हैं। बच्चे भी बहुत दिन से बाहर नहीं गए थे, तो सोचा चलो सब लोग थोड़ा सा चलते हैं, वहाँ दिनेश जी सामान लेंगे, फिर हम लोग लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे और वापस घर को आ जाएंगे। और मॉल या शॉप तो हम लोगों को गए हुए तकरीबन 8 से 9 महीने हो गए, क्योंकि लॉकडाउन से पहले बच्चों का पेपर था तो इसलिए नहीं जा रही थी, तो यहाँ तकरीबन 9 मंथ्स के बाद में आ जाई हूँ। वैसे तो पहले जब सब कुछ ठीक था तो हफ्ते में एक बार जरूर हम लोग यहाँ आ जाते थे। और यहाँ आके दोनों का स्टार्ट हो गया फोटो सेशन। छोटी आके बोल रही है, दीदी ने अच्छा पिक नहीं लिया मेरा, मैं तो अपलोड नहीं करूंगी इंस्टा पे। और दीदी उधर मुंह फुलाए बैठी है, जो मैंने इतना अच्छा लिया है। इन दोनों का चलता रहता है। तो फिर मैंने दोनों के पिक्स लिए और अभी आ गए हैं शॉप के अंदर। यहाँ पर दिनेश जी का अपना जो काम है वो करेंगे, हम लोग साइड में खड़े हैं। और मॉल में आके भी खाना तो कुछ था नहीं, क्योंकि बाहर का ज्यादातर अवॉइड करते हैं। तो फिर मैंने सोचा चलो अभी तक तो तकरीबन वही 9 महीने से हम लोग बाहर का कुछ नहीं खाए हैं, तो हम लोगों का जो फेवरेट स्वीट शॉप है वहां से मैंने थोड़े से स्वीट्स लिए। स्वीट्स के साथ साथ हम लोगों ने लस्सी भी लिए, क्योंकि इस शॉप का लस्सी बहुत मस्त होता है, औसम होता है। तो गर्मी का सीजन हो और हम लोग लस्सी ना ले हो ही नहीं सकता, तो मैंने लस्सी लिए 4 और लस्सी हम लोगों ने गाड़ी पे बैठ के पिए, फिर हम लोग घर को वापस गए, क्योंकि थोड़ा सा तो ऐसा फील होना चाहिए जो हम लोग बाहर निकले हैं। शॉप पे बैठ के तो कुछ खा नहीं सकते, तो हम लोगों ने गाड़ी पे ही बैठ के लस्सी पिया, थोड़ा सा फीलिंग तो आना चाहिए जैसे हम लोग बाहर आए हैं। यहाँ की मिठाई बहुत ही उम्दा होती है, हम लोगों का बहुत फेवरेट है। यहाँ का हर चीज बहुत अच्छा होता है, लेकिन स्वीट्स हम लोग को बहुत पसंद है। बहुत दिन से हम लोगों ने खाया भी नहीं था, तो सोचा चलो आज जब निकले हैं तो स्वीट्स भी ले लेते हैं, थोड़ा सा अच्छी तरह से एंजॉय करते हैं। लेकिन जो भी हो, हम लोग मॉल गए, शॉप में कुछ खाया नहीं, बाहर जो थोड़ा सा स्पेस होता है वहां पर बच्चों ने फोटो सेशन किए और शॉप से हमने स्वीट्स लिए, फिर घर को आए। लेकिन अच्छा लगा, इतने दिन के बाद बाहर गए थे बच्चे, तो बच्चे भी बहुत खुश हुए, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। क्या नहीं कर रहा है? और दिखाओ तो कौन कौन स्वीट्स लाई हो? तो हम लाए हैं ये रसगुल्ला। हाँ दिखाओ, नीचे दिखाओ, दिखा के। जायंट रसगुल्ला, जायंट रसगुल्ला। और ये हमारा छेना टोस्ट। हाँ मम्मा, एक और वाली मिठाई लेके आई, क्या बोलते मम्मी? हम अभी छेना मुर्की, छेना मुर्की, छेना मुर्की, छेना मुर्की, छेना मुर्की जो हम लोग खा चुके हैं बहुत सारा और थोड़ा बाद में खाएंगे। और लस्सी भी पी चुके गाड़ी में, आपने देखा, मतलब आज फुल हम लोग एंजॉय किए हैं। लेकिन स्वीट्स डे था, स्वीट्स खाए आज हम लोग का, स्वीट्स डे था। और इतना मीठा खाने के बाद वॉक तो मस्ट है,
तो अभी चले हम लोग वॉक पे। आज मैं डिनर में बना रही हूँ सिंपल सी चावल, चपाती और सब्जी। तो सबसे पहले मैंने चावल को उबलने के लिए चढ़ा दिया है और आज मैंने बॉइल्ड राइस यूज किया है। और इधर मैंने कढ़ाई में सरसों का तेल ऐड कर दिया, फिर मैंने इसमें दो सूखी लाल मिर्च और दो तेजपत्ता ऐड कर दिया। आज मैं आप सबसे दो सिंपल और इजी सी सब्जी की रेसिपी शेयर करूंगी। तो एक में बनाऊंगी मिक्स वेज सीताफल आलू मटर और कैबेज के साथ, और दूसरी सब्जी में परवल की बनाऊंगी मस्टर्ड एंड खसखस ग्रेवी में। तो चलिए पहले मैं पत्ता गोभी आलू सीताफल और मटर की सब्जी बनाती हूँ, जिसके लिए मैंने तेल में आपने देखा सूखी लाल मिर्च और तेजपत्ता ऐड कर दिया था। फिर मैंने इसमें एक प्याज बारीक कटा हुआ ऐड कर दिया, और प्याज ऐड करने के बाद फिर मैंने 6 क्लोव गार्लिक के और 1 इंच अदरक को क्रश करके अच्छी तरह से कूट के मोर्टर पिस्टल में फिर मैंने ऐड कर दिया। और थोड़ी देर सॉटे करने के बाद फिर मैंने यहाँ पर 300 ग्राम्स रेड पम्पकिन सीताफल लिए हुए हैं बड़े बड़े क्यूब्स में कट करके, सीताफल को मैंने ऐड कर दिया। और सीताफल को ऐड करने के बाद फिर मैंने यहाँ पर 2 आलू छिलका हटा के बड़े बड़े क्यूब्स में कट करके लिए हैं, आलू को भी ऐड कर देना है। और सारे आलू को ऐड करने के बाद फिर इसमें मैं कुछ मसाले ऐड करूंगी, नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट लेना है। और नमक ऐड करने के बाद फिर मैंने 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर दिया, हल्दी पाउडर ऐड करने के बाद फिर मैंने 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड कर दिया, और इसमें कोई भी मसाला नहीं जाएगा। और रेड चिली पाउडर ऐड करने के बाद एक बार मिक्स करके मैं इसको ढक के 1 से 2 मिनट तक पकने के लिए रखती थी। 1 से 2 मिनट तक पकाने के बाद फिर मैंने इसमें 1 कप पानी ऐड कर दिया था, और पानी ऐड करने के बाद ढक के इसको थोड़ी देर और पकाना है ताकि आलू थोड़ा पक जाए। जब आलू थोड़ा सा पक गया फिर मैंने मटर और कैबेज को ऐड कर दिया, और 1 टमाटर भी मैंने कट करके ऐड कर दिए थे। कैबेज ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करके फिर मैंने ढक के इसको पकने के लिए रख दिया, और ये देखिए सब्जी अच्छी तरह से पक गया है। सीताफल को ज्यादा गलाना नहीं है, साबुत दिखना चाहिए, और पत्ता गोभी को भी थोड़ा सा क्रंची ही रखना है। और लास्ट में मैंने कोरिएंडर लीव्स ऐड कर दिया, तो सब्जी डन है। परवल की सब्जी के लिए मैंने पैन में सरसों का तेल ऐड कर दिया है, और तकरीबन 300 ग्राम्स मैंने ये परवल लिए हैं। इसको इस तरह से छील के बीच में मैंने कट लगा दिया है। परवल को नमक और हल्दी के साथ अच्छी तरह से फ्राई करके निकाल लेना है। तो परवल में मैंने नमक हल्दी ऐड कर दिया, और इसको ढक के अच्छी तरह से फ्राई करना है। और जब तक परवल फ्राई हो रहा है मैं एक मसाला पेस्ट तैयार करूंगी, जिसके लिए मैंने 1 टेबल स्पून खसखस और 1 टीस्पून मस्टर्ड सीड ले लिए हैं, और उसको 2 से 3 घंटे के लिए मैंने ल्यूक वार्म पानी में भिगो के रख दिया था। फिर पानी को छान के मैंने यहाँ पर 5 से 6 क्लोव गार्लिक के लिए हैं और 3 ग्रीन चिली, सबका एक पेस्ट तैयार करना है, खसखस मस्टर्ड गार्लिक के क्लोव्स और ग्रीन चिली का। ये सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है, राइस के साथ तो इसका कॉम्बिनेशन ऑसम है। फ्रेंड्स एक बार आप सब ट्राई करके जरूर देखना, और अगर अच्छा लगे तो कमेंट में बताना जरूर। तो मैंने सारे परवल फ्राई कर लिए हैं, और बचे हुए तेल में मैं 2 आलू जो मैंने छील के बड़े बड़े क्यूब्स में कट करके रखे हैं उसको ऐड कर दूंगी। आलू को नमक के साथ फ्राई कर लेना है, आलू को ज्यादा पकाना नहीं है, ग्रेवी में पकेगा, बस उस पे थोड़ा सा कलर लाना है। तो सारे आलू मैंने फ्राई कर लिए हैं, आलू को भी मैं निकाल लूंगी। सारे आलू को निकालने के बाद फिर बचे हुए तेल में कलौंजी का तड़का ऐड करना है। तो मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून कलौंजी ऐड कर दिए, फिर मैंने जो पेस्ट बनाया था खसखस सरसों लहसुन और ग्रीन चिली का पेस्ट ऐड कर दिया, फिर मैंने नमक हल्दी और लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दिया। लाल मिर्च पाउडर मैंने 1 टीस्पून लिया है, आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट ले सकते हैं। थोड़ी देर सौते करने के बाद फिर ग्रेवी ऐड करना है, और ग्रेवी ऐड करने के बाद आलू ऐड कर देना है,
और ढक के फिर आलू के अच्छी तरह से गल जाने तक पका लेना है। और जब आलू पक जाएगा फिर मैंने इसमें परवल ऐड कर दिया। परवल ऐड करने के बाद मैंने एक टमाटर छोटे छोटे पीसेज में कट करके लिए हैं, टमाटर को ऐड कर दिया, 3 से 4 ग्रीन चिली ऐड कर दिया और फिर ढक के इसको मैंने 5 मिनट तक पका लिया था और सब्जी डन है। लास्ट में मैंने कोरिएंडर लीव्स ऐड कर दिए। तो अभी लगाने लगी हूँ मैं थाली और मैंने चपाती भी बना लिए थे। तो आज का डिनर है चपाती, राइस, पत्ता गोभी और रेड पम्पकिन की सब्जी, साथ में परवल की सब्जी, खसखस और सरसों वाली परवल। आप सबको कैसी लगी आज की डिनर की थाली बताना जरूर। अच्छा बहुत बढ़िया बना, बहुत अच्छा बना ना। फ्रेंड्स ये कैबेज का जो सब्जी मैंने आज बनाया जरूर ट्राई करना, ऑसम है। और इसे आप लंच में ले जा सकते हो, बच्चों को टिफिन में दे सकते हो, बहुत अच्छी रेसिपी है, एक बार जरूर ट्राई करना। और परवल का भी अच्छा बनाना, और परवल का सब्जी जो है इसको भी ट्राई करके देखना, एक अलग तरीके से है, जरूर ट्राई करना, मैं तो यही कहूंगी। और मैं कैमरे के सामने आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती कैसा बना है, आप सबको ट्राई करना पड़ेगा। डिनर के बाद सारे बर्तन मैंने साफ कर लिए हैं, काउंटर टॉप भी मैंने साफ कर लिए, गैस भी साफ कर लिए। अब सांभवी का काम है, वो बर्तन लगाएगी फिर ग्रीन टी बनाएगी। हम लोगों का डिनर हो गया और किचन भी मैंने साफ कर लिए, अभी हम लोग ग्रीन टी ले रहे हैं। उसके बाद मैं अपना एडिटिंग का काम करूंगी जो आज का ब्लॉग जाएगा। आज का ब्लॉग भी हमेशा की तरह लेट ही जाएगा क्योंकि हमेशा मैं 9 बजे के बाद ही अपना एडिटिंग करती हूँ। अगर ब्लॉग किसी भी एंगल से अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, और जो मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन दबाना न भूलना, ताकि मेरे आने वाले ब्लॉग का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ मंडे को, तब तक के लिए बाय बाय, सब आप है, टेक केयर।